अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे और मेरी रेसिपीज़ को भी ट्राई करके होंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे आपके कमेंट्स मिलते हैं ना, और आप लोग ट्राई करते हुए रेसिपीज़ को, तो समझ लें कि दिल खुश हो जाता है कि मेरी मेहनत स्वागत हो गई है। इंशाअल्लाह मेरी यही कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी, ईजी से ईजी रेसिपीज़ लेके आऊँ। और चूँकि आजकल लॉकडाउन भी है और बहुत से लोगों की जॉब चली गई हैं, किसी के वर्किंग आवर्स कम हो गए हैं, तो कोशिश है ये कि वही इंग्रीडियंट्स यूज़ करें जो कि हमारे घर में मौजूद होते हैं, ठीक है। और एवरीडे कुकिंग को भी वैसे भी सिंपल रखना चाहिए, इजी रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है रोज़ाना तो बिरयानी, निहारी, कोरमे नहीं खाए जाते ना। तो अपने फूड को सिंपल रखें और इजी रखें, और ऐसा बनाएं कि जो आपके सब घर वाले शौक से खा लें, बच्चे, बूढ़े, आपके पेरेंट्स, ऑल ऑफ देम, जो भी आपके घर में है। तो इसी तरह से बस आप लोग मुझसे कनेक्ट रहिए, मेरा साथ दीजिए। इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँगी। आज जो रेसिपी है वो भी बहुत ही आसान सी, माउथ वाटरिंग और टेम्पटिंग सी है, और बच्चों, बड़ों, सबकी फेवरेट है। और इसमें इंग्रेडिएंट्स भी इतने ज़्यादा नहीं है, बहुत ही क्विक है ये। एक्चुअली उस वक्त ज़्यादा काम आती ये वाली रेसिपी जो अब मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करने जा रही हूँ। जब आपको कहीं जाना हो, कहते हैं ना हस्टल एंड बस्टल, हपड़ दपड़ मची हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेहमान भी आ रहे हैं, काम भी बहुत है, या इस तरह की सिचुएशन में ये रेसिपी वन ऑफ द बेस्ट है जी। इसका नाम है बीन्स एंड स्पैगेटी सूप। तो हाँ जी, ये भी सूप की रेसिपी है। आपको पता है विंटर में आप लोगों को चाहिए कि सूप ज़्यादा पिए, उससे आप वार्म रहते हैं। जब आप वार्म रहते हैं आपको सर्दी नहीं लगती, जब सर्दी नहीं लगती तो फिर आप लोग अच्छे से भी काम करने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। तो बीन्स और स्पैगेटी का सूप है, ये भी बहुत कम से इंग्रीडियंट्स में बन जाता है। तो इसके इंग्रीडियंट्स देख लेते हैं, लेट्स मूव टू आवर काउंटर। हियर वी गो जी व्यूअर्स, ये देख लीजिए, आपको मैं इसके दिखा देती हूँ इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए सूप के लिए, बीन्स एंड स्पैगेटी सूप। अच्छा, इसमें मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये स्पैगेटी 250 ग्राम्स, और मैंने ऑर्गेनिक यहाँ पे यूज़ किया थी। मैं आपको पैकेट भी दिखा देती हूँ, देखिए ये वाला, ठीक है। इसमें 500 ग्राम्स होती हैं ये वाला पैकेट, सही है। तो ये मैंने यूज़ किया है 250, हाफ पैकेट, ठीक है। ये ऑर्गेनिक मैं यूज़ कर रही हूँ, बट डिपेंड करता है आप कौन सी यूज़ करना चाहती हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू आर यूजिंग द सेम आई एम यूजिंग हियर द ऑर्गेनिक स्पैगेटी, डिपेंड्स ऑन यू, यू कैन यूज़ एनी स्पैगेटी ऑफ योर चॉइस, ओके। सो आई एम यूजिंग हियर हाफ पैकेट, सो 250 ग्राम ऑफ पैकेट, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं लूँगी 1 tin ऑफ डाइस टोमेटोज का। अगर आपके पास डाइस टोमेटोज का टिन नहीं है, सो यू कैन यूज़ 4 large tomatoes, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लें, ठीक है। और इसमें जो इंग्रीडियंट्स जाएंगे, इसमें हम लेंगे ये बेक्ड बीन्स, इसका ये एक इस तरह से आते हैं, तो आपको भी यही वाला लेना है, ठीक है, इस तरह से ये। तो आई एम यूजिंग हेयर 2 tin, ठीक है। इसमें इसके अलावा जाएगा 1 large potato, क्योंकि जो इसका सूप बनेगा ना उसमें इसको ये थिकन करेगा। इसमें हम कोई कॉर्नफ्लावर, प्लेन फ्लावर, वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ फ्लावर इन इट, वी आर यूजिंग द पोटैटो हेयर टू मेक द सूप थिकन। ऑलराइट, नाउ 2 spices ओनली, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। सॉल्ट टू टेस्ट, ब्लैक पेपर मैंने 1.5 teaspoon, बट आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने रखी है ये अनियन जी, ये ऑनियन है इसमें, ठीक है। इसको मैंने ग्रेट कर लिया था, 1 large onion, ठीक है। तो ये मेरे पास ये वाला जो होता है ना ग्रेटर, इससे मैंने इस तरह से, जो इसका मोटा वाला होता है, इस वाले से मैंने इसको ग्रेट कर लिया था, ठीक है। आप इसको डाइस भी कर सकते हैं, कटिंग कर लें, इट्स अप टू यू। सो बस ग्रेट करने से ज़रा आसानी हो जाती है, तो इसका जो सूप है वो अच्छा बनेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, द ऑलिव ऑयल। आई एम यूजिंग हियर ऑलिव ऑयल, सो बट अगेन इट्स डिपेंड ऑन यू, इफ यू वांट टू यूज़ एनी काइंड ऑफ ऑयल लाइक वेजिटेबल ऑयल्स और एनीथिंग, सो यू कैन यूज़ इट, बट ऑलिव ऑयल इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स, और आप देख लें कि कितने फ्यू इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, ठीक है। और लास्ट इंग्रेडिएंट्स में जाएगा पानी, ठीक है। पानी हम अपने हिसाब से डालेंगे कि आपको कितना थिक रखना है, क्या करना है। चलिए अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं जी व्यूअर्स। ये देखिए, मैंने इसमें ये ऑयल जो है गर्म होने के लिए रख दिया है, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी अनियन, 1 large onion जो मैंने आपको बताई थी, उसको अच्छे से हमने डाइस कर लिया था। डाइस कर लें, चॉप कर लें, या फिर आप इसको ग्रेट कर लें, ठीक है। तो ये हार्ड एंड फास्ट हो गई है, बस ये सारी अनियन इसमें जा रही है, और अब हम इसको वेट करेंगे ताकि ये अच्छे से ब्राउन हो जाए। तो हमें इसको बेसिकली ब्राउन करना है। ऑलिव ऑयल लिया था मैंने 3 tablespoon, ठीक है। चलें अब जब तक ये ब्राउन होती है, तो फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखिए ऑनियन को मैंने जो है डाल दिया था, और इसको बहुत ज़्यादा रेड या ब्राउनिश नहीं करना है, क्योंकि सूप है ना, तो सूप में बहुत ज़्यादा डार्किश कलर की जो है ना ऑनियन अच्छी नहीं लगती है। बस इसको इतना हम ब्राउनिश सा दे देंगे, देखिए यू कैन सी कि इसका ये इस तरह का टेक्सचर है, ठीक है। बस अब इस स्टेज पर हम क्या डालेंगे, अपना ये टोमेटो, डाइस टोमेटो पूरा फुल केन, ठीक है, ये हमने डाल दिया। अच्छा, ये जो केन है ये 400 ग्राम का है, देखें
400 ग्राम, ठीक है। तो आपको ये 400 ग्राम का ही केक लेना है। अगर आप दो सर्विंग्स बना रहे हैं बीन्स की, जो मैं आपको दिखाए थे बीन जो पैक है ना, अगर नहीं है, अगर इफ़ यू डोंट हैव द बेस्ट टमाटो दैन यू डोंट नीड टू बी वरी, यू जस्ट टेक द टू लार्ज टमाटोज एंड यू कैन डू अ फाइन पेस्ट ऑफ इट, ओके। बट हियर आई हैव द डाइस टमाटो कैन, सो आई एम यूजिंग हियर। सो यू नो कि थोड़ा सा इसमें इनके स्पाइसेस होते हैं तो अच्छा सा फ्लेवर आता है, बट यू डोंट नीड टू बी वरीड इफ यू डोंट हैव द कैन टमाटोज और डाइस टमाटो, यू कैन टेक टू लार्ज टमाटोज एंड ब्लेंड देम वेल, एड सम ओरिगैनो एंड 1 टीस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल, देन इट विल बी अ नाइस टमाटो पेस्ट, ठीक है। अच्छा, ये हमने इसमें डाल दिया। नाउ दिस इज टाइम टू मिक्स इट वेल, ठीक है। इस तरह से इसको हम मिक्स करेंगे और ये क्विक ही बन जाएगा सूप, ठीक है, क्योंकि इसमें हर चीज़ तो ऑलरेडी कुक ही है एक्सेप्ट पोटैटो। ये देखें, बस ये अच्छे से मिक्स हो गया है। देखें, इसमें कोई धनिया पुदीना और जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये सब चीज़ें नहीं है, सो सिंपल। ऑलराइट, सो आई एम मिक्सिंग इट वेरी वेल। Here we go. See, now it's done. Now this is the time to add our potatoes. Sorry, ये potatoes, 1 large potatoes. And I already told you that why I'm using the potato here, because this is the soup. और soup में खाली पानी तो नहीं डालते ना, उसको thick करना होता है. So, but in this soup we are not using any kind of flour like corn flour, plain flour for the thickness. ठीक है? That's why we are using potato here. तो जब ये potato cooked हो जाएंगे, then we will do little mashy. तो जब इसको मैश करेंगे देन इट विल मेक योर सूप थिक, ठीक है। सो लेट अस मिक्स वंस अगेन। नाउ ऐड सॉल्ट, सॉल्ट पर योर टेस्ट, आई एम यूजिंग योर पिंक सॉल्ट, ठीक है। और अब जाएगा इसमें ब्लैक पेपर पाउडर। ब्लैक पेपर पाउडर आई एम टेकिंग हियर 1.5 टीस्पून, बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, इफ़ यू लाइक मोर और योर चिल्ड्रन और योर फैमिली लाइक्स मोर स्पाइसेस देन यू कैन यूज मोर, बट 1.5 टीस्पून इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। ये चलाइए इसके अंदर। नाउ गिव देम अ क्विक एंड जेंटल मिक्स। ये देखिए, इस तरह से इसको हमने मिक्स कर दिया, ये हो गया अच्छे से मिक्स। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। एज यूजल ऑलवेज यूज़ द वॉर्म वाटर, क्योंकि आपका जो कुकिंग टेम्परेचर है उससे मेंटेन रहता है, ठीक है। ये मैंने डाल दिया इसमें, ये, और इसमें जाएगा, ठीक है। तो समझ लीजिए मैंने यहाँ पे लिया था 2 कप ऑफ वाटर, ठीक है, आई थिंक आपको ठीक। तो ये इसमें चला गया। अब हम इसको यहाँ पे इस स्टेज पे पकने के लिए छोड़ देंगे इतनी देर तक कि हमारे जो पोटैटोज हैं वो सॉफ्ट और टेंडर हो जाएं, ठीक है। चले वेट करते हैं, फिर इसको आप लोगों को इसका रिमेनिंग प्रोसीजर बताती हूँ। जी व्यूअर्स, देखिए ये बिल्कुल इस वक्त जो है ना पोटैटो रेडी हो गए, बिल्कुल सॉफ्ट और टेंडर, जैसा कि मैं आपको बताया था। और ये देखें पानी जो हमने डाला था वो भी इस तरह से हो गया, यानी कि ब्राउन शुरू हो गया। बस अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, अपना स्टोव जो है बंद कर देंगे, चूल्हा बिल्कुल भी इसको हमें नहीं ऑन करना है। अब हम क्या करेंगे, आलूओं को अच्छे से मैश कर देंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि इसमें हम कोई भी फ्लावर यूज़ नहीं कर रहे हैं, नो कॉर्न फ्लावर, नो प्लेन फ्लावर, सो जस्ट पोटैटो। इधर ये पोटैटो जो है ना, ये हमारे सूप को थिकनेस देंगे, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से मैश कर देते हैं पोटैटो को। अच्छा, यहाँ पे आपको मैशर ही यूज़ करना है और बीटर यूज़ नहीं करिएगा, तो उससे फिर वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, बहुत पतला हो जाएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें इसको अपने जो जो हैंडी होता है ना मैशर, इससे ही करना है, मैश करना है, बीटर वगैरह से इसको पूरा बीट नहीं करना है, क्योंकि वो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये बीन सूप है तो इसमें हर चीज़ आपके मुंह में आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई इस चीज़ का टेस्ट आ रहा है। सो ये देखिए इतनी ईजिली से मैश हो रहे हैं, आपको भी नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ठीक है, इस तरह से ये मैश हो गया, ठीक है। अब ये मैश हो गया है, अब मैं मैशर को रिमूव करती हूँ और अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अब हम डाल देंगे अपने सारे ये बीन्स जो मैंने आपको बताए थे, 2 टिन, ठीक है, ये गैस में 1 टिन, ठीक है। चल इसको, और ये आ गया इसमें हमारा दूसरा, ठीक है। ये बेसिकली बेक्ड बीन्स होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। चलें ये डाल के अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है। और ये देखिए, ये अभी से इतना टेम्पटिंग लग रहा है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, मैं आपको इसको क्लोजर लुक से दिखाऊँ, सो ये देखें है ना, और इतनी अच्छी इसकी स्मेल आ रही है, ठीक है। ये हो गया, इसको मिक्स करते हैं अच्छे से,
और फिर इसमें हम डालेंगे वाटर एज नीडेड, क्योंकि अभी इसको हमें सूप की थिकनेस वो इस टाइम पे मेंटेन करना है। फिर हम यहाँ पे ऑन कर देंगे अपना चूल्हा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको सूप को कितना गाढ़ा कितना पतला रखना है। तो इसको बस नॉर्मल सा रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, ठीक है। चलो मैं इसमें पानी डालती हूँ। जी बस देखिए मैंने इसमें ये चीज़ें डाल दी थी सारी, ठीक है, बीन्स और स्पाइसेस सारा। बीन्स भी ऑलरेडी पकी हुई है, बेक्ड है ना, तो हमें अब इस स्टेज पे हमें क्या करना है, अपनी ये जो सूप की थिकनेस को मेंटेन करना है। अब देखिए मैंने इसमें यहाँ पे लिया है 2 कप वाटर, मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है, 2 कप वाटर, ठीक है। अब मैं इसमें डालती हूँ। अब यहाँ पे यू हैव टू एडजस्ट द थिकनेस ऑफ द सूप एज पर योर टेस्ट, ठीक है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया ये, तो अब मेरे पास 3/4 कप बच गया है पानी, बस ये हो गया, ठीक है। एंड आई थिंक दिस इज़ द कंसिस्टेंसी विच आई वॉन्ट, ये देखिए, ठीक है। अब इसके साथ हम इसको छोड़ देंगे 1 मिनट के लिए ताकि ये पानी पके। जी नाज़रीन देखिए पकना शुरू हो गया है, साइडों से बबल्स भी आ रहे हैं, ठीक है। अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे आपके कोरिएंडर। अच्छा मैंने आपको कोरिएंडर का नहीं बताया था, ठीक है, ये ऑप्शनल है। मुझे खानों में ना कोरिएंडर बहुत अच्छा लगता है, ये एक तो इससे टेस्ट उसका अरोमा आई लव इट, और जो कोरिएंडर यानी धनिया जो होता है इसकी जो एक और सबसे अच्छी चीज़ है बात जो मुझे इसकी है लगती वो ये कि जब आप स्पाइसेस वगैरह डालते हैं ना तो ये जो स्पाइसेस की तेज़ी होती है ना इसको ख़त्म कर देता है, तो उससे फिर अच्छा रहता है, ठीक है। चलें हमने ये भी डाल दिया, अब हमारी बारी है डालने की अपने ये जो स्पैगेटी हमने बॉयल किए थे, ये देखें मैं इसमें स्पैगेटी ऐड कर रही हूँ, और ये मैंने लिए थे 250 ग्राम ऑफ स्पैगेटी, इसको मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, ये देखें, ठीक है, ये भी कुक्ड है। और आप जब स्पैगेटी यूज़ करेंगे उसको आपने कैसे कुक करना है वो इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना होगा, एंड यू कैन सी द इंस्ट्रक्शन ऑन द बैक ऑफ योर पैक, ठीक है। ये देखिए इस तरह से चलें। अब मैंने इसको मिक्स कर दिया है, अब मैं इसको छोड़ देती हूँ तकरीबन 4 to 5 minutes। तो चलें इसको मैं 4 to 5 minutes के छोड़ देती हूँ, अब इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक, लेट मी शो यू द क्लोजर लुक, ठीक है। चलें इसको लीव करते हैं 4 to 5 minutes के लिए। जी वैसे देखिए मैंने इसको निकाल दिया है, सर्व कर दिया है। अच्छा ये बहुत ही टेम्पटिंग है, मैंने इसको चखा था, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंड प्लीज़ गिव इट अ ट्राई एंड डू लेट मी नो कि इसका आउटकम कैसा निकला, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग के कमेंट्स आते हैं, और तो मुझे ऐसा लगता है मेरी मेहनत वसूल हो गई है। सो आपने देखा कि कितने लेस इन्ग्रीडियंट्स में और क्विक बना था, सारा कुछ टाइम जो उसमें लगा था वो सिर्फ लगा था जो पोटैटो हमने इसमें यूज़ किया था उसको पकने में, हार्डली 5 मिनट्स। अच्छा ये जो है ना किड्स के लंच बॉक्सेस के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है, इसको आप क्या करें देखिए आपको दिखाती हूँ। इस तरह का एक आता है सूप बॉल, ठीक है, ये एयर टाइट कंटेनर होता है, और इसको आप इसमें इस तरह से रखें, ये देखिए इसको बंद कर दें, और फिर इसमें आप सूप दे सकते हैं अपने किड्स को, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आप सुबह में जैसे इसमें रखें, इसको गर्म कर दें 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में ना, गर्म करके इसको क्लिप करें और अपने लंच बॉक्स में डाल के दे दें। तो जब तक बच्चों का होगा ब्रेक टाइम उसमें ये सेफ भी रहेंगे, कोई ख़राब नहीं, क्योंकि विंटर में तो चीज़ें आपको पता है ऐसी नहीं ख़राब होती हैं। तो आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ एक और रेसिपी में, जब तक के लिए अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर एक और अच्छी सी रेसिपी लेके आऊँगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।